स्वागत है आप सभी का एक बार फिर LHB इंडिया में। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर अभी एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी में होने लगा सर्दी का एहसास। जानिए अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा आपके शहर में मौसम का हाल, क्या है भारी बारिश को लेकर संभावना, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल पर आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें मौसम में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मसलन की रात 10 बजे के बाद मौसम में एकाएक ठंड बढ़ जाती है, जिससे लोगों को रात में मोटी चादर या कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ने लगी है। इसी बीच आपको बता दें कि जिले के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर JP तिवारी ने बताया है कि बंगाली खाड़ी में सक्रिय तूफान के कारण अगले 48 घंटों में सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में बारिश की फिर संभावना है। बारिश के कारण अगले 24 घंटों में मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम के तापमान में अचानक गिरावट होने से संक्रामक बीमारियों को फैलने की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ समय पहले लगातार हुई बारिश के बीच मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी खासी परेशानी हुई, विशेषकर किसानों को। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटों में फिर सुल्तानपुर सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बदली छाए रहने के आसार हैं, भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना से इनकार किया है, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आपको बता दें कि तेज पछुआ हवा चलने के साथ बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और भारी बारिश होने की संभावना है। इसी बीच अगर बात करें कि अभी किन किन राज्यों में है भारी बारिश की संभावना, तो आपको बता दें मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में फिलहाल स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं, राज्य में अब बारिश को लेकर कोई खतरा नहीं है। वहीं केरल के साथ यूपी और बिहार में अभी भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़क सकती है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि मानसून अभी विदा होने वाला नहीं है। इसके चलते देश के कई राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश होगी और ये 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून सितंबर माह तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार इस माह तक जा रहा है। मानसून की अवधि में 15 दिन की बढ़त हुई है। मानसून आगे खिसकने से इस बार सर्दी अधिक पड़ेगी, साथ ही रबी की फसल की बुवाई देर से होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन बाद बारिश बंद हो जाएगी और ठंड का असर शुरू हो जाएगा। वीडियो के अंत में चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, इटावा, जालौन, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ 87 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। अगर बात करें येलो अलर्ट की, तो आपको बता दें मौसम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर, इसके आसपास के जिलों में भारी बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।